हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई सब कुछ एक रैशनल नंबर्स को कंसीडर करो, और ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हों, जहां पर पी और क्यू की जगह पर लिखे हुए नंबर्स अपने आप में इंटीजर्स हों और दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। साथ ही बेटा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो क्या ऐसे केस में क्यू की जगह पर लिखे हुए नंबर के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आप गैस कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई, हम लोगों को कुछ एक नंबर्स को देखने के लिए, कुछ एक नंबर्स को कंसीडर करने के लिए बोला गया था जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो बेटा हम लोगों ने कुछ एक नंबर्स यहाँ पर कंसीडर करें। सो ये एग्जांपल्स हैं बेटा किसके, रैशनल नंबर्स के जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं और जहां पे पी और क्यू की जगह पर लिखे हुए नंबर सारे के सारे अपने आप में इंटीजर्स हैं और इन इंटीजर्स में बेटा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और इन सारे के सारे नंबर्स का बेटा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हम लोगों ने फाइंड किया, टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोगों ने कुछ एक नंबर्स यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो क्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी आप गेस कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन पार्ट पर कि क्यू के लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी गेस या क्या प्रॉपर्टी देख पाते हैं। तो भाई यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखा गया नंबर है उसमें क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4। और जब हम लोग इस 4 को बेटा प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2, कोई दिक्कत है, करेक्ट है। यहाँ पे जब हम लोग इस नंबर पे आए जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और जब हम लोग क्यू की बात करें यानी कि नीचे लिखे गए नंबर की बात करें तो ये 8 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 2। अगेन बेटा यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या है, 100 है, और जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को मिलता है 2 × 2 × 5 × 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग देखें क्यू की जगह पे क्या है, 25 है, और 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 5 × 5। यहाँ पर आए बेटा क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 400 है, और 400 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 400 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब हम लोग किसी भी रैशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा टर्मिनेटिंग है तो हम लोग क्यू को अगर प्राइम फैक्टराइज करें, क्यू का मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो हम लोगों को 2 एज अ फैक्टर दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को 2 दिख रहा है ना, यहाँ भी हम लोग देखें तो बस 2 ही एज अ फैक्टर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो सिर्फ 5 फैक्टर्स हम लोगों को दिख रहा है और यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, यहाँ भी 2 और 5 दोनों। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग एक चीज समझ जाते हैं कि भाई कोई भी नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उस केस में क्यू बेटा एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो क्या कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा अगर उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो या तो प्राइम फैक्टर्स में 2 एज अ फैक्टर दिखाई देगा या फिर 5 एज फैक्टर, वो एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है 5। ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स के तौर पर दिखाई देंगे बट 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। तो फिर ऐसे केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आई थिंक ठीक है, समझ आ गया है, इस चीज को लिख देते हैं। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू is having either 2 as the prime factors only or 5 as the prime factors only or 2 and 5 as the prime factors but not any other prime number। ठीक है, तो क्या देखा है हम लोगों ने, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज हैविंग ईदर 2 एज द प्राइम फैक्टर्स ओनली, या तो सिर्फ 2 ही एज अ प्राइम फैक्टर रहेगा।
या फिर फाइव एस प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को दिखेंगे, या फिर टू और फाइव दोनों दिखाएंगे, बट इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, करेक्ट है। तो ऐसे केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, यही क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।